राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे, सेफ होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कोलकाता ब्लॉगर रेनू के चैनल में, और मैं हूँ रेनू। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा टाइटल देख के और थंबनेल। तो आइए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में इंडियन स्मॉल किचन, मैं कैसे अपने किचन को रखी हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और उससे पहले जो मेरे चैनल में न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए और घंटी को भी बजा दीजिए, जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे चाय पत्ती, नमक, मिश्री, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ होती है मैं छोटे छोटे डब्बों में रखी हूँ। और फ्रेंड, मैं एक जैसा डब्बा नहीं रखी हूँ, क्योंकि उतना बजट नहीं है कि एक साथ में एक सामान सारा सामान मंगा के मैं किचन को लगा सकूँ। तो जैसा भी है आप लोग वीडियो को एंजॉय करिएगा और देखिएगा मैं कैसे किचन को रखी हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टैंड है बर्तन का, और मैं इसमें अपना बर्तन लगाई हूँ, और जो इंस्टा बर्तन है उसको अलग रखती हूँ, जो डेली यूज का बर्तन है वही रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन रखने से फिर गंदा होने लगता है। और यहाँ पर देखिए चम्मच का स्टैंड भी लगाई हूँ, और फ्रिज का बोर्ड है यहाँ पर, और जो यूज का सामान है वही रखी हूँ अलग, इंस्टा बर्तन में अलग रखी हूँ। और देखिए सिंक यहीं पे है, और उसी के ऊपर मैं बर्तन स्टैंड को लगाए हूँ, जिससे बर्तन का पानी जो है इधर उधर ना फैले, अपना वहीं पे एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने कप भी लगाया है, और उसके नीचे देखिए यहाँ पर मैं बॉक्स वाला किचन नहीं बनवाए हूँ, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पर। और ये है देखिए डब्बा, एक प्लास्टिक का कंटेनर है, इसमें मैं दाल, रहर दाल, मूंग दाल ऐसे रखती हूँ। और यहाँ पर है बिस्किट भी रखी हूँ देखिए ब्लू डब्बा में, और इस पीछे जो है स्टील का डब्बा, चार पांच स्टील का डब्बा है, उसमें मैं कुछ कुछ सामान रखती हूँ। और यहाँ पर देखिए बेसन, भुजिया ऐसे करके मतलब डब्बा में ही रखी हूँ, और जैसे भी है यहाँ पर देखिए ऑयल भी यहाँ पर रखी हूँ। तो मैं ऐसे ही करके एडजस्ट की हूँ अपना किचन को। यहाँ पर देखिए स्टील का तीन डब्बा है चावल आटा के लिए, और यहाँ एक प्लास्टिक का डब्बा है, ये है मसालदानी, इसमें मैं मसाला रखती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं कैसे एडजस्ट की हूँ किचन को, छोटा ही किचन है तो ज़्यादा कुछ तो बना नहीं है, बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। तो देखिए यहाँ मेरा सब सामान है छोटा मोटा, और यहाँ पर है आलू रखी हूँ, स्टैंड है एक प्लास्टिक का, तो आलू प्याज लहसुन यहाँ पर रख लेती हूँ। और सिलेंडर के ऊपर है वेजिटेबल्स चॉप करने का बोर्ड, तो सिलेंडर के ऊपर ही रखी हूँ। यहाँ पर पोंछने के लिए पाव है पैरदान, और यहाँ पर रखी हूँ। और इसके बगल में ही एक स्टील का डब्बा है, और जग रखी हूँ पानी के लिए, क्योंकि बाहर से पानी आता है। और यहाँ पे एक वगैरह नहीं लगा, यहाँ का पानी बहुत ख़राब है, तो इसके लिए मैं बाहर से ही पानी मंगाती हूँ, और पानी मंगाकर मैं स्टील का डब्बा में डाल देती हूँ। और यहाँ फ्रिज के कवर में मैं एक टावल रखी हूँ हाथ पोछने के लिए। और यहाँ पर जस्ट देखिए मेरा फ्रिज है, फ्रिज वर्लपूल कंपनी का है, और काफ़ी अच्छा है फ्रिज, मेरा ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज है, ठीक ठाक है। और देखिए यहाँ पर मेरा फ्रीज़र है, अभी तो खाली है, क्योंकि अभी कोई ठंडा चीज़ तो यूज नहीं हो रहा है, तो फ्रीज़र खाली ही पड़ा है, ज़्यादा फ्रिज का यूज नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर है आइस जमाने का, तो अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ, और फ्रिज के अंदर का दिखाती हूँ मैं कैसे रखी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं मिल्क रखती हूँ इसमें, और
और यहाँ पर मैं प्लास्टिक का लगाई हूँ, प्लास्टिक लगाई हूँ क्योंकि सामान रखती हूँ तो गंदा हो जाता है, कोई कभी मिल्क गिर जाए, कभी कुछ गिर जाए, तो इसलिए मैं प्लास्टिक लगाई हूँ। गंदा नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही मैं सामान रखी हूँ। और प्लास्टिक लगाने से काफ़ी अच्छा लगता है और गंदा भी नहीं होता है, तो इसको निकाल के हम साफ भी कर सकते हैं। तो अभी तो ये कलरफुल नहीं है, प्लेन ही है और वाइट कलर, तो इसी को मैं लगा दी हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं छोटा छोटा जो डब्बा है उसको भी मैं ऐसे करके रखी हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ सामान ऐसे करके रखी हूँ। और यहाँ पर है अदरक और नींबू, मैं इसमें रखती हूँ बंद करके। पास्ता मसाला सब मैं ऐसे फ्रिज में ही रखती हूँ। और यहाँ पर टमाटो सॉस, सोया सॉस, ऐसे जेल जैम है, सब ऐसे करके रखी हूँ जो छोटा मोटा सामान है। अभी तो ज़्यादा फ्रिज में कुछ है नहीं, अभी मैं खाली की थी तो फ्रिज को साफ़ की हूँ, तो मैं सोची दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं कैसे फ्रिज को साफ़ करके रखती हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, फ्रिज कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर देखिए वेजिटेबल्स हैं तो मैं ऐसे रखती हूँ, और एक डब्बा में ही मैं टोमेटो को रखती हूँ क्योंकि ऐसे ख़राब नहीं होता है डब्बा में करके रखने से। तो और यहाँ पर देखिए मैं डब्बे में ही हरी मिर्च को भी रखती हूँ, इससे मेरी जो मतलब हमारी मिर्च होती है वो ख़राब नहीं होती है और काफ़ी दिन तक चलता है। यहाँ पर है कड़ी पत्ता, तो इसको भी मैं डब्बा में ही रखती हूँ, इससे जल्दी ख़राब नहीं होता है और सामान फ्रिज में फैलता भी नहीं है। तो मैं ऐसे करके ही रखती हूँ, इसको धोकर साफ़ करके मैं ऐसे सुखा कर इसमें रख देती हूँ फ्रिज में, तो काफ़ी दिन चलता है और फ्रिज गंदा भी नहीं होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए मैं किचन ओपन है तो इसके लिए मैं एक पर्दा लगाई हूँ यहाँ पर। देखिए मैं ऐसे पर्दा काम हो जाता है तो पर्दा ऐसे लगा देती हूँ, क्योंकि हॉल में जो बैठ कोई आता है तो बैठ मतलब दिखाई भी नहीं देता है और अच्छा भी लगता है ऐसे पर्दा लगाने से। थोड़ा सा किचन में अंधेरा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि लाइटिंग का अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बल्ब लगा हुआ है तो उससे ज़्यादा रोशनी नहीं होता है। आप लोगों के साथ मैं उसको भी दिखा रही हूँ, एक बल्ब है बट उतना रोशनी नहीं होता है। और इस स्टैंड को मैं गैस के बगल में ही रखी हूँ क्योंकि आसानी होता है सामान यूज करने में, और चिल्ली फ्लेक्स ये सब यहीं पे है। और यहाँ पर देखिए बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए बच्चों का कप है, और ऐसे मैं कप रखी हूँ, कांच की कटोरी जो है उसको भी रखी हूँ। तो यही है मेरा एक छोटा सा इंडियन स्मॉल किचन टूर। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं न्यू वीडियो लाती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरा इंडियन स्मॉल किचन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और फ्रिज के लिए ज़रूर लाइक करिएगा फ्रिज कैसा लगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैं चलती हूँ, बाय, फिर आऊँगी न्यू वीडियो के साथ एक, तब तक के लिए बाय 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 बाय, मिलती हूँ न्यू वीडियो में।